नमस्कार बच्चों, आज हम साकेत के महाकाव्यत्व पर चर्चा करेंगे। साकेत के महाकाव्यत्व के पूर्व में एक व्याख्यान में मैं चर्चा कर चुकी हूँ, जिसके अंतर्गत हमने भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों द्वारा महाकाव्य की दी गई परिभाषाओं और लक्षणों पर चर्चा की थी। साथ ही महाकाव्य के अंतर्गत जो प्रमुख तत्वों में मंगलाचरण, कथा, सर्ग, नायक, सर्ग के छंद, संधियां, अर्थ प्रक्रियां और कार्य व्यापार, प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन आदि पर चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे घटना एक के और अन्य जो उसके तत्व। तो सबसे पहले हम लेंगे घटना एक के। महाकाव्य के लिए घटना एक के भी परमावश्यक है। इसके लिए और प्रधान घटनाओं के घात प्रतिघात से प्रमुख कार्य संपादित किया जाए। उर्मिला का विरह इस काव्य की प्रमुख घटना होने के कारण उर्मिला व लक्ष्मण का पुनर्मिलन प्रमुख कार्य है। समस्त घटनाएं उसी की ओर अग्रसर हैं। प्रथम सर्ग का प्रेमालाप, जिसे कुछ व्यक्ति अमर्यादित भी मानते हैं, बाद के विरह की तीव्रानुभूति कराने में सफल है, तो कैकई, मंथरा संवाद तथा राम वन दमन के हम कारण मान सकते हैं। चित्रकूट के अवसर पर एक बार फिर आशा जगती है कि राम अपने गुरुजनों, अपनी माताओं, अपने भाइयों और अयोध्या वासियों के प्रार्थना को मना नहीं करेंगे और लौटकर अयोध्या का राज सिंहासन पर विराजमान होना स्वीकार करेंगे। पर राम का निश्चय विरह को निश्चित करता है। राम अयोध्या लोक में से इनकार कर देते हैं और वो कहते हैं कि मैं तो 14 वर्ष का वनवास पूर्ण होने पर ही अयोध्या लौट करके आऊंगा और तब तक अयोध्या के राज सिंहासन से जुड़े हुए जो उत्तरदायित्व हैं, उन उत्तरदायित्वों का निर्वहन भरत करेंगे। तदुपरांत विरह वर्णन मेघनाथ वध, रावण वध, फल की ओर अग्रसर करते हैं और अंत में फल प्राप्ति मिलन। इस प्रकार साकेत का घटना एक के सिद्ध हो जाता है। यहाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय बिंदु यह है कि साकेत घटना प्रधान काव्य न होकर चरित्र प्रधान काव्य है। इस महाकाव्य के लेखन का जो गुप्त जी का प्रमुख उद्देश्य था, वह था उर्मिला के चरित्र को, उसके चारित्रिक गुणों को, उदात्तता को सबके समक्ष लेकर आना। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार साकेत में बहुत सी घटनाओं का कार्य से सहज संबंध नहीं है और डॉक्टर कमलकांत त्रिपाठी का कथन संदर्भ में उल्लेखनीय है कि साकेत की कथा वस्तु यदि सुव्यवस्थित नहीं है तो विश्रंखल भी नहीं है। कि अपनी घटनाएं आपस में व्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से नहीं बढ़ती तो उस घटना में बिखराव भी नहीं है। यदि साहित्य नवीन मूल्यों को ग्रहण करने में असमर्थ हो तो वह जड़ता होगी। यद्यपि साकेत का ये दोष है, परंतु इससे इसमें नवीनता आई। आदि, मध्य तथा अंत की स्पष्टता। आदि जब काव्य के प्रारंभ, उसके मध्य तथा अंत का भी महाकाव्य में प्राय स्पष्ट होना अपेक्षित है। साकेत में प्रथम 8 सर्ग तक आदि, नवम व दशम सर्ग को मध्य तथा एकादश व द्वादश सर्ग को अंत मान सकते हैं। वस्तु शिल्प की दृष्टि से यह विभाजन सुंदर नहीं। प्रथम 8 सर्ग तक कथा अत्यंत धीमी गति से बढ़ती है तो एकादश और द्वादश सर्ग में अत्यंत तीव्रता से। इससे गति की दृष्टि से दोष उत्पन्न हो जाता है। कवि का उद्देश्य राम कथा वर्णित करना ही नहीं था, उर्मिला को प्रमुखता देना था। अतः उसके लिए पृष्ठभूमि का निर्माण करने तो उसने प्रथम कुछ दिनों की कथा का विस्तार से वर्णन किया है तथा अंतिम युद्ध की घटना को कथा क्रम निर्वाह हेतु संक्षेप में वर्णित कर फल प्राप्ति के रूप में उर्मिला लक्ष्मण का मिलन दिखाया। अगला बिंदु है कथानक में मौलिक उद्भावनाएं तथा नवीन प्रसंगों का सृजन। कि कोई भी महाकाव्य लिखा जाता है तो उस महाकाव्य में जो उसका रचनाकार है, उसके जो काव्यकार है, उसकी कुछ जो परंपरागत घटनाएं उससे जुड़ी हुई है, उसके साथ उसके स्वयं की मौलिक उद्भावनाएं भी उसमें दृष्टिगत होनी
परमावश्यक है। मौलिकता के अभाव में कोई काव्य सफल नहीं कहा जा सकता। यद्यपि अति प्रख्यात कथानक में मौलिकता लाना अत्यंत दुष्कर है, परंतु कवि ने कुछ मौलिकता लाकर अपनी पटु प्रबंधता का दिग्दर्शन करवाया है। गुप्त जी ने घटनाओं के क्रम में परिवर्तन किया है। समस्त बाल का की कथा को दशम सर्ग में उर्मिला के स्मृति पटल पर लाकर व्यंजित किया है। साकेत का अंगीरस विप्रलम श्रृंगार है, सामी प्रभाव व काव्य प्रेरणा के स्रोत से भी बहुत से नवीन प्रसंगों की उद्भावना हुई है, जिससे प्राचीन रूढ़ कथानक में नवीनता और सुंदरता आई है। कवि ने प्राचीन कथानकों की कल्पना द्वारा चारुतम बनाने का प्रयास किया। चित्रकूट मिलन के बाद की संपूर्ण कथा उर्मिला से संबंधित न होने के कारण घटित हुई वर्णित नहीं। लक्ष्मण को शक्ति लगने पर आकाश मार्ग से गमन करने वाले हनुमान आधुनिक लौकिक व्यक्ति के मस्तिष्क को ग्राह्य नहीं है, अतः योग द्वारा कार्य संपादन दिखाकर उसका समाधान गुप्त जी के द्वारा कर दिया गया है। राम का चरित्र मानवीय दिखाना भी कवि के युग से प्रभावित उद्भावना ही है। राष्ट्रीय चेतना भी साकेत के निवासियों के रण सज्जा से स्पष्ट है। प्रिय नेता के संकट ग्रस्त होने पर भी जनता निष्क्रिय रहे, यह असंभव है। अतः कवि ने बड़े उत्साह से वीर रसयुक्त वर्णन किया है और साथ ही उर्मिला के ओज का भी सुंदर चित्रण यहाँ किया है। कैकई मंथरा संवाद में मंथरा कहती है, भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उसे जोगे। चित्रकूट प्रसंग में जहाँ रामायणकार व मानसकार शैली कैकई को अपनी त्रुटि परिमार्जित करने का अवसर नहीं देती, साकेत ने उसे यह अवसर प्रदान कर उसके चरित्र को ऊंचा उठाया। अंतिम सर्गों में मांडवी, शत्रुघ्न आदि के चरित्र पर भी प्रकाश डाला है। इस प्रकार साकेतकार ने मौलिक उद्भावनाओं व नवीन प्रसंगों का सृजन किया। अस्वाभाविक प्रसंगों को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया तथा नवयुग के राष्ट्र प्रेम को कथात्मक अभिव्यक्ति दी है। अगला बिंदु है साकेत में चरित्र चित्रण, क्योंकि बिना चरित्रों के तो कोई भी घटना गतिमान हो ही नहीं सकती, और राम के जीवन से जुड़ी हुई ये काव्य बहुत महत्वपूर्ण है। तो चरित्र चित्रण का महाकाव्य में कम महत्व नहीं होता। डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में साकेत के पात्र अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व रखते हैं, वे कवि भावना की प्रतिध्वनि मात्र नहीं है। उनके चरित्र चित्रण की विशेषता है पुनर्निर्माण सहज स्वाभाविकता। शैली की दृष्टि से उन्होंने अभिनयात्मक और विवरणात्मक दोनों ही प्रकार की शैलियों का यथोचित प्रयोग किया है। नाट्य शैली की युग्म प्रणाली को उन्होंने अपनाया है, जिसमें दो पात्र परस्पर वार्तालाप द्वारा चरित्र पर प्रकाश डालते हैं। चरित्र की अनेक कोटियां हैं, राम आदर्श पात्र, भरत देवत्व के निकट और अन्य पात्र अभी साधनाशील है। उर्मिला, लक्ष्मण तथा कैकई परिस्थिति से परिचालित साधारण कोटि के पात्र हैं। सीता, मांडवी, शत्रुघ्न आदि संस्कार प्रधान सामान्य कोटि के पात्र। महाकाव्य में प्रमुख पात्रों की धीरोदात्तता भी अपेक्षित है। साकेत के भी राम, सीता तथा भरत धीरोदात्त ही हैं, पर रुदनशील उर्मिला व क्रोधी लक्ष्मण की धीरोदात्तता पर कुछ लोग शंका करते हैं, परंतु लक्ष्मण का क्रोध सकारण है, उसमें उसकी ओजस्विता प्रकट होती है। साकेत में विराम के सम्मुख नतमस्तक तो हैं, परंतु समय पड़ने पर राम को भी उत्तर देने का साहस करते हैं। इसमें उनकी चारित्रिक स्वाभाविकता ही प्रकट होती है, राम का अपमान नहीं। हम उसके चरित्र में धीर के साथ ओजस्विता, अन्याय का प्रतिकार करने के लिए संघर्षशीलता पाते हैं। उर्मिला की 14 वर्ष की अखंड तपस्या देखकर उसे धैर्यशालिनी पाते हैं। उसका ओजस्वी रूप द्वादश सर्ग में युद्ध हेतु तैयार होते समय देख सकते हैं। ठहरो यह मैं चलूं,
कीर्ति सी आगे आगे भागे अपने विषम कर्म फल अधम अभागे। भाल भाग्य पर तने हुए थे तेवर उसके, पुण्य पात्रों के गौरव की रक्षा व तिरस्कृत पात्रों का परिष्कार भी उनके चरित्र चित्रण की प्रमुख विशेषता है। कवि ने दशरथ मरण उनकी रानियों को भी सती होने के लिए सन्नद दिखाकर सुंदर व्यंजना की है। इसी प्रकार बाली के हृदय वध की कथा को एक पंक्ति में कहकर राम के मर्यादा की रक्षा की है और केकई को पश्चाताप करते हुए दिखाकर उसके चरित्र में भी परिष्कार किया। उर्मिला को अवांछनीय स्थलों पर भी लाकर प्रमुखता देने के प्रयत्न में कहीं कहीं दोष आ गया है। षष्ठ सर्ग में दशरथ के मरण पर वही सबसे अधिक बोलती। अगला बिंदु है संवाद। संवाद तो महाकाव्य के सौंदर्य में अभिवृद्धि करने में सहायक होते हैं, क्योंकि इनसे सजीवता व गति आती है। चरित्र चित्रण की दृष्टि से भी संवादों का महत्व कम नहीं, क्योंकि अलग अलग पात्रों के संवादों के माध्यम से पात्रों के जो चारित्रिक विशेषताएं हैं, उनके जो गुण हैं, वो सारे उभर कर आते हैं। भरत कैकई, राम भरत, कैकई मंत्रा, संवाद मनोविश्लेषण से युक्त है। उर्मिला लक्ष्मण और कैकई दशरथ संवाद कार्य प्रेरित करने वाले हैं। राम कैकई संवाद सर्वोत्तम है। संवादों के संबंध में एक विशेषता पात्रानुकूलता है। वशिष्ठ जी की वाणी में धार्मिक क्रूरता है तो दशरथ की वाणी में स्वाभाविक कातरता है। एक ही पात्र समयानुसार भी कथन का स्वरूप बदलता है। जैसे नवम सर्ग में युद्ध का अवसर आने पर वीर रस से युक्त है, वीरों पर ये भोग फला क्यों होंगे। इस प्रकार सर्वत्र स्वाभाविकता दिखाई देती है। उन्होंने संवादों में सजीवता लाने के लिए संक्षिप्तता, भावमयता व चमत्कृति का समावेश किया। प्रथम सर्ग में उर्मिला कहती है, अजी तुम जग गए, स्वप्न निधि से नयन कब से लग गए, मोहिनी ने मंत्र भर जब से छुआ, जागरण रुचिकर तुम्हें जब से हो। उनके संवाद यद्यपि भावमय है, तथापि वाक चातुर्य के कारण वे वाक छल का रूप धारण